हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंडी लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि कल का टॉपिक था हमारा स्टॉन्ज फ्रॉम द हीरोइक कपलेट, है ना। तो इसके बारे में कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे कि इसमें आज ये कहा जा रहा है कि द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट्स टू आयम्बिक पेंटामीटर लाइन द 10 सिलेबल्स राइमिंग टूगेदर द फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल्स, है ना। द हीरोइक कपलेट द कंसाइट टू आयम्बिक पेंटामीटर वीर युगल में वीर दोही में दो आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब कि दस अक्षरों की पंक्तियाँ हैं जो एक राइमिंग टूगेदर जो एक साथ राइमिंग करती हैं, यानी साथ साथ रहती हैं। द फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल, जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल को समझाया था ना। टू थिंग, कल हमने ये टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। टू थिंग अवर फादर्स फुल सो विश वी ग्रो, अब इसकी आप राइमिंग को आप समझिएगा। अवर वी शेरसन नो डाउट विल से विल थिंक टू अस, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है जो राइमिंग है, टू ग्रो टू अस, है ना, टू ग्रो टू अस। तो यहाँ पे क्या है कि यही चीज़ जो है कि टेन लाइन की जो दस अक्षरों की जो पंक्तियाँ हैं वो एक साथ राइमिंग करती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि लाइन ऑफ 10 सिलेबल्स, यानी 10 अक्षरों की पत्तियाँ एक साथ तुकबंदी करती हैं, है ना, राइमिंग टूगेदर, यानी कि एक साथ टूगेदर करती हैं। और इसकी जो राइमिंग है यही है कि हीरो कपलेवीर दोही में दो आयम्बिक पेंटामीटर, दो आयम्बिक जो पेंटामीटर हैं, दो 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 अक्षरों की पत्तियाँ एक साथ तुकबंदी करती हैं, है ना। और जैसे कि कहा गया इस कॉलर द हीरोइक, इसे हम क्या कहते हैं इसे वीर कहा जाता है क्योंकि ये दस अक्षरों वाली आयम्बिक कविता है। इसे हम वीर कहेंगे बिकॉज द 10 सिलेबस आयम्बिक वर्सेस, ये दस अक्षरों वाली क्या है, आयम्बिक कविता है, है ना। चाहे वेदर द टू राइमिंग ये नॉट, या चाहे वो राइमिंग हो और या ना हो, इज द यूजुअल फ्रॉम द इपिक ऑफ वर्सेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है कि अंग्रेजी में महाकाव्य कविता का एक सामान्य रूप है ना। सेलिब्रेटेड द हीरोइन एक्सप्लॉइट्स द इस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द एग्जाम्पल फाइड, है ना। तो इसमें जो पॉप ने एग्जाम्पल की दिया है, पॉप है पोप ने उदाहरण दिया है कि प्रत्येक पंक्ति के अंत में विराम। पोप ने देखिए क्या उदाहरण दिया है, इन बोल द प्रोसेस द एंड द एवरी लाइन इन द ए कंप्लीशन इन द सेंस ऑफ द एंड ऑफ द कंप्लीट, है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पोप का उदाहरण है। तो पोप क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक विराम है और दोहे के अंत में जो है भाव की पूर्ति शामिल है ना। तो दोहे के अंत में विराम है, तो ये देखिए विराम है वो है, है ना, दोहे के अंत में विराम है और एक विराम और दोहे के अंत में जो है तो भाव की पूर्ति है, और एक दोहे के अंत में भाव की पूर्ति है। ये देखिए ये तो विराम हो गया और ये जो है तो अंत में एक विराम हो गया ये, और दोहे के अंत में भाव की जो ये पूर्ति शामिल है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि हमारे पिता मूर्ख हैं लेकिन हम उतने ही बुद्धिमान होते हैं। हमारे बुद्धिमान बेटे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है ना।
तो ये जो भाव का जो इसी में पिता कहता है, जैसे बेटा कहता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पिता मूर्ख हैं और हम उतने ही बुद्धिमान होते हैं, और हमारे बुद्धिमान बेटे, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि हम ऐसा ही सोचेंगे, क्योंकि पिता कहते हैं कि आप ऐसा ही सोचेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बेटे मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। तो ये जो भाव की पूर्ति जो है, तो ये दोहे के अंत में जो पूरी तरह से समझा दिया गया, पूरे दोहे को बंद कर दिया गया है ना। तो इसमें इस दोहे के अंत में कोई भी उत्तराधिकारी या कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोहा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, इसको तो मैंने कल एक बार समझा दिया था, आज हमने दोबारा रिपीट कर लिया है। अब जैसे हाँ, ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में दोहे के बारे में क्या बताया गया है। देयर ए पुशेज द इंडेड द फर्स्ट लाइन द इंडिकेटेड द बाई ए कॉमा द सिग्निफाइड द पॉलिटिकल द कम्प्लीशन कम्प्लीटन ऑफ द एसेंस, है ना। कह रहा है इसमें पहली पंक्ति के अंत में एक विराम है, ये देखिए पहली पंक्ति के अंत में एक विराम है, ये विराम आपको दिख रहा है, जिसे अल्प विराम द्वारा दर्शाया गया है ना, और अर्थ के आंशिक समापन को दर्शाता है, और अर्थ के इसके सारे अर्थ के आंशिक समापन को क्या करता है, वो बताता है ना। तो ये हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन इतना समझा दिया है। बी नंबर वाले में चलते हैं, वो कह रहा है देयर इज द प्रोसेस इन द एंड कंप्लीट द इंडिकेटेड द बाई फुल स्टॉप सिग्निफाइंग इन फुल कंप्लीशन ऑफ द सेंस, है ना। तो ये कह रहा है इसमें कि दोहे के अंत में एक विराम है, ये कह देयर इज द प्रोसेस इन द ए कंप्लीट, दोहे के अंत में क्या है, एक विराम है। ये देखिए दोहे के अंत में एक ये विराम है, जिसे पूर्ण विराम द्वारा दर्शाया जाता है ना, जो भाव की पूर्ति की समाप्ति को दर्शाता है। जो इसमें भाव बोला गया, जो मैंने हिंदी से समझाया था, वह भाव की पूर्ति को जो वह है पूरी तरह से क्या करता है, उसका समाप्ति करता है, इस भाव की पूर्ति को जो समाप्ति करता है ना। अब हम कहेंगे द कपलेट इज द क्लोड नॉट रिक्वायरिंग द इन एड आइदर द प्रेडिकेशंस ऑफ द सेंसर्स ऑफ और कपलेट इन इट्स मीनिंग्स, है ना। दोहा बंद है इस अर्थ को पूरा करने के लिए, ये दोहा जो है बंद है इस अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यह पूरी तरह से भाव की, जब इसके अंत में क्या होता है कि भाव की पूर्ति देकर इस दोहे को जैसे बंद कर दिया जाता है, तो कोई अगर इस दोहे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है और कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है ना, कोई भी इसे अपने तरीके से इसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि यह अंत में सब कुछ कह के यह समाप्त कर देता है ना। यह दोहा वीर दोहा का यही है कि वीर दोहा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, उसे अपने शब्दों में बदल जरूर सकता है, लेकिन इसको हम कुछ कर नहीं सकता है ना। तो बेसी नंबर तो ये बता दिया दोहे के बारे में। डी नंबर क्या कह रहा है, द राइमिंग द सिंगल राइमिंग पार्ट ऑफ द ईच लाइन ग्रो एंड डू विंग द शिंग सिलेबस, है ना। तो बी नंबर कह रहा है कि दोहा जो है द राइमिंग द सिंगल दोहा जो है तो बंद है, और इसे पूरा करने के लिए दोहा जो है तो बंद इसे पूरा करने के लिए किसी सॉरी डी नंबर द राइमिंग द सिंगल द राइमिंग पार्ट ऑफ ए इच लाइन, है ना। तो कह रहा है कि छंद जो है, तो ये छंद जो है एक है, द राइमिंग वर्ड प्रत्येक पंक्ति के तुकांत भाग बढ़ते हैं, प्रत्येक इच लाइन प्रत्येक पंक्ति के जो भाग है वो बढ़ती हैं, ग्रो एंड सो बढ़ती हैं, बींग सिंगल स्लेवर और एका और भाग बढ़ते हैं, और तो एकाल शब्द भी होते हैं, और एकाल शब्द भी होते हैं ना प्रत्येक पंक्ति के जो लाइन होती है इसमें। तो ये क्या कह रहा है, ये छंद जो है तो एकल है, छंद जो है तो ये एकल है, और प्रत्येक पंक्ति के तुकांत भाग बढ़ते हैं, प्रत्येक पंक्ति के तुकांत भाग
जो मतलब राइमिंग वर्ड वर्ड हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, जैसे मैंने बताया था है ना। तो तुकबंदी को हम राइमिंग कहते हैं। तो इसके जो तुकबंदी शब्द हैं वो क्या होते हैं, वह बढ़ते हैं और एकाल शब्द भी होते हैं, है ना। और चलिए ई नंबर हम समझते हैं इसके बारे में। द नंबर ऑफ सिलेबस, द नंबर ऑफ सिलेबस इन 10 कह रहा है कि अक्षरों की संख्या जो है 10 है ना। अक्षरों की संख्या जो है तो 10 है। ये देखिए, अक्षरों की संख्या 10 है। जब ये फर्स्ट राइमिंग जो तुकबंदी करती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, अक्षरों की संख्या 10 है और 10 ऊपर 10 नीचे है ना। द ओड वंस तो क्या है, द ओड वंस अंश अंशनेटेड और शॉर्ट, अंशनेटेड और शॉर्ट है ना। तो कह रहा है कि विषम अक्षर उच्चारित या छोटे हैं, विषम अक्षर जो हैं तो उच्चारित हैं या तो छोटे हैं। इच एवेंट एसेंटेड और लॉन्ग, और सम उच्चारित या लंबे हैं, है ना। तो समझने विषम अक्षर द ओड द वंस अनसेंटेड तो मतलब क्या है, जो छोटे शब्द हैं वो क्या है, उच्चारित या छोटे हैं जो विषम है ना, और सम उच्चारित या लंबे हैं, है ना। तो जैसे कह रहा है इस दोहे में कि ये जो छोटे हैं जो विषम है, सो वी हो गया, आई वेर शेर हो गया, ये जैसे जिसके कोई भी जैसे ये जैसे य फिट यच यार है ना, तो यहाँ पे छंद में क्या कर दिया गया है, य फे कर दिया गया जैसे, तो वो क्या है, विषम अक्षर है, उच्चारित भी हैं और छोटे भी हैं, है ना। और जैसे कि कह रहा है इसमें, और जो उच्चारित हैं और सम जो है तो उच्चारित हैं और लंबे भी हैं ना। जो उच्चारित है जैसे फूल है, फूल मतलब होता है मोर को ना, है ना। तो यही कह रहा है ई नंबर वाले में कि द इवन द एसिएंटेंट और द लॉन्ग, और जो सम वाले शब्द हैं वो उच्चारित हैं और लंबे हैं, और विषम वाले शब्द हैं वो छोटे हैं और विषम भी हैं, है ना। तो जो लंबे शब्द हैं वो उच्चारित हैं, फूल है, डाउट है, थिंक है ना, और ग्रो है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके शब्द जो हैं लंबे भी हैं और उच्चारित हैं। और जैसे इसमें फा है, या फिर कर दिया गया, शो कर दिया गया है ना, नो का, नो का तो अर्थ होता है। तो ये जो विषम शब्द हैं और विषम अक्षर जो हैं उच्चारित तो हैं पर छोटे तो हैं पर उच्चारित भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, ये हमने एक एक करके बता दिया है इसको, है ना। अब हम चलते हैं बदलाव की ओर, है ना, कि इसमें क्या बदलाव किया गया, कैसे कैसे किस राइटर्स ने इसे कैसे बदला। अब हम इस सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ते हैं। चलिए।